ये जो सोमानी वाला कंबाइंड कमोड है दोस्तों, काफी घटिया कमोड है। प्रेशर भी इसका किसी काम के लायक नहीं है। प्रेशर में अभी आपको दिखाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको बाथरूम में आउटर फिटिंग करना सिखाऊंगा। मेरे पीछे देखिए दोस्तों, बाथरूम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमोड रखा हुआ है। ये जो है दोस्तों कंबाइंड कमोड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लश और ये कमोड दोनों एक साथ अटैच है। तो दोस्तों ये कमोड को इंस्टॉल करना आज मैं सिखाऊंगा और साथ ही दोस्तों बाथरूम का पूरा आउटर फिटिंग, जो टैप लगेगा इसमें, जेट वगैरह सब कुछ कैसे लगता है, आज के इस वीडियो में एक कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए शुरू से लास्ट तक, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए। इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का, प्लम्बिंग की जानकारी दोस्तों आपको मेरे इस चैनल टेक्निकल सोनू टेक पे मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल की जानकारी दोस्तों मेरे नए चैनल सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी वाले पे मिलेगा। तो दोस्तों अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और दोस्तों आप लोग वीडियो की भावनाओं में खो जाएं इससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये बाथरूम है और बाथरूम का ये वाला जो एरिया है, ये एंट्रेंस है। ठीक है, कैमरामैन यहाँ पे एंट्री करो। ये देखिए, ये बाथरूम वाला एरिया दिखाई दे रहा है और वहाँ पे देखिए कमोड का पॉइंट है, कमोड वहीं पे इंस्टॉल होगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो है दोस्तों जेट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक कंसील लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हैंड जेट को यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हूँ मैं एक पॉइंट। उसके बाद ये जो दोनों दिख रहा है दोस्तों, ऊपर वाला फ्लश का है और नीचे वाला जेट का है। ठीक है, तो ये टॉयलेट वाला एरिया हो गया इतना। और यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ पे देखिए तीन टैप लगा हुआ है दोस्तों, इसमें ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, और ये मोटर का है डायरेक्ट सप्लाई। और यहाँ पे देखिए शावर को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे ये कंसील लगा हुआ है। अभी ये कंसील गार्ड कवर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर शावर है, और ये देखिए नीचे यहाँ पे गीजर का पॉइंट बना हुआ है। तो अभी इस बाथरूम में दोस्तों पूरा कंप्लीट फिटिंग करूँगा मैं, सब कुछ आपको दिखाऊँगा कैसे जो है फिट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये कमोड का पॉइंट है, और अब चलिए दोस्तों कमोड मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैं कमोड यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा वो कमोड कौन सा है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कमोड रखा हुआ है, कंबाइंड कमोड है। इसको कई लोग वन पीस कमोड भी बोलते हैं, कंबाइंड कमोड इसका सही नाम है, और इटालियन कलेक्शन मॉडल है इसका। ठीक है, और सोमानी कंपनी का है ये, सोमानी कैमियो का कमोड है ये। कमोड का ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, ये सिस्टर्न वाला एरिया है, यहाँ पे पानी स्टोर होगा, फ्लश करेंगे तो यहाँ पे पानी आएगा। ये इसका कवर होता है। अभी इसका जो बटन है दोस्तों, यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है, हर कंपनी का अलग अलग आता है। ये देखिए ये बटन है, इसको भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इसका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन मैनुअल है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे इसमें जो है, इसको फिक्स करने के लिए शायद स्क्रू दिया होगा। ये देखिए यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे ये ब्रैकेट दिया हुआ है। सब कुछ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसमें ब्लैक कलर का ये वाशर है, लीकेज गार्ड कवर है ये। ठीक है, लीकेज को रोकता है ये देखिए। तो अभी ये नीचे लगेगा इंस्टॉलेशन करते टाइम। उसके बाद अब मैं कमोड आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिम नहीं दिया हुआ है। अब नीचे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए ये इसका नीचे वाला हिस्सा है। हर कमोड में दोस्तों ये जो इसका वेस्टेज वाला पाइपलाइन होता है, यहाँ पे ये जो ट्रैप का ये वेस्टेज वाला मुंह है वो अंदर होता है, लेकिन इसका ये आगे दिया हुआ है। और इसका जो आउटलेट है दोस्तों, ये 110 mm का दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फिक्स करने के लिए यहाँ पे दो होल दिया हुआ है, जो ब्रैकेट अभी मैं दिखाया था उसको फिक्स करने के लिए। कवर इसका अभी दिखाऊंगा मैं, कवर भी, कवर इंस्टॉलेशन करते टाइम दिखा दूंगा। तो अब दोस्तों चलिए इसको मैं इंस्टॉल करना आपको सिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कमोड का पॉइंट दिख रहा है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फर्श के लेवल तक कट करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए, ये पाइप को पूरा फर्श के लेवल तक मैं कट कर लिया हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे कमोड को रखेंगे। कमोड को रखने से पहले जो मैं ब्लैक वाशर दिखाया था आपको, वो यहाँ पे रखना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाशर है। ठीक है, ये वाशर को सबसे पहले वहाँ पे रखेंगे। ये जो वाशर है लीकेज को रोकता है। इसको रखने के बाद, उसके बाद इसके ऊपर कमोड को रखेंगे। ठीक है, कमोड को रखने के बाद फिर यहाँ पे कमोड में पानी डाल के चेक करेंगे। रखो रखो, यहाँ पे रखो। ये देखिए, इसको इस तरह से रख देना है। अब देखिए दोस्तों, ये कमोड है। ठीक है, और लेवल मिला के आपको, ये देखिए ये जो कमोड का ये वेस्टेज लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा सेंटर में, इसके बीचों बीच आएगा जो ब्लैक वाशर यहाँ पे मैं रखा हूँ। अब इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए,
अब देखिए दोस्तों, कमोड को मैं इसके ऊपर रख दिया, वाशर नीचे रख के उसके बाद इसको मैं रख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मार्किंग करने से पहले यहाँ पे पानी डालेंगे, ठीक है। पानी डाल के उसके बाद इसका लीकेज चेक करेंगे कि साइड में देखना है आपको, साइड में कहीं भी किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, ठीक है, तो फिर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद उसके बाद तब इसको फिक्स करेंगे। तो अभी सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे पानी डालता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पानी डाल रहा हूँ और ध्यान रहे पानी को बाहर ना छलकाएं, ठीक है। पानी बाहर गिरेगा तो फिर पता नहीं लगेगा लीकेज, इसलिए धीरे धीरे डालें। यहाँ पे कम से कम 10 से 15 लीटर पानी डाल के चेक करना है, थोड़ा तेज़ी से डालो। बस ये देखिए, अभी इसमें पानी में डाल दिया। अब इसको कमोड को हटा के इसका लीकेज चेक करेंगे और अगर लीकेज नहीं हुआ तो फिर मार्किंग करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे पानी तो मैं डाल दिया और यहाँ भी देखिए लीकेज, अब मैं देखता हूँ तो लीकेज कहीं भी किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि कमोड को रखते टाइम इसको मैं प्रॉपर बिठा दिया था, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है। चारों तरफ से आपको देख लेना है लीकेज को। ये देखिए, इधर भी देख रहा हूँ तो यहाँ भी कहीं भी लीकेज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चारों तरफ से पेंसिल से या फिर मार्कर से मार्किंग कर लेना है आपको। ये देखिए, इस तरह से इसको मार्किंग करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रू लगेगा तो इसके सामने भी मार्किंग कर लेना है, ताकि जो है बाद में ये मार्किंग पता लगे। मार्किंग दोस्तों हो गया है, अब इसको हटाना है यहाँ से हटा के, उसके बाद यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे कमोड को। दोस्तों अब देखिए, कमोड को हटाने के बाद जो मैं ये मार्किंग किया था, ये देखिए मार्किंग पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब दोबारा हम कमोड को रखेंगे तो ये मार्किंग बहुत ही काम आएगा, ठीक है। ये मार्किंग के सहारे ही कमोड को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद कमोड को फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, कमोड को हटाने के बाद दोस्तों देख लीजिए, कहीं भी पानी का एक बूंद भी रिसाव भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए, कहीं भी काम कीजिए, प्रॉपर परफेक्ट काम कीजिए, ताकि जो है किसी भी प्रकार का क्लेम ना रहे, क्लेम ना करे क्लाइंट आपके साथ। तो अब दोस्तों कमोड को फिक्स करने के लिए यहाँ पे होल करेंगे ड्रिल मशीन से। अब मैं जो ब्रेकेट दिखाया था आपको, वो मैं दिखाता हूँ और यहाँ पे उसको मैं फिक्स करना आपको सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ब्रेकेट दिखाई दे रहा है, इसी के सहारे फिक्स होगा कमोड। और कमोड को फिक्स करते टाइम नीचे किसी भी प्रकार का व्हाइट सीमेंट या फिर मसाला कुछ भी नहीं रख लाना है, ठीक है। क्योंकि ये कमोड जो है सिर्फ इसके सहारे फिक्स करना है, वैसे ही ये काफ़ी वेट होता है। अगर कुछ भी नहीं रखेंगे, फिक्स भी नहीं करेंगे तो भी रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट दिया जाता है ताकि जो है गिरे ना। यहाँ पे देखिए, फिक्स करने के लिए ये सब इतना सामान दिया हुआ है, ये ब्रेकेट है। और अगर समझ में नहीं आता है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैसे इसको फिक्स करना है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो किसी भी प्रकार का कमोड होगा आप बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए ब्रेकेट है, ब्रेकेट को अब यहाँ पे रखेंगे और मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ये जो ब्रेकेट है दोस्तों, यहाँ पे ये कमोड देखिए, कमोड का जो थिकनेस है दोस्तों, यानी कि मोटाई, ठीक है, मोटाई आधा इंच है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आधा इंच माइनस करेंगे, ठीक है। ये कमोड का बाहरी वाला हिस्सा था ये वाला, और आधा इंच लेंगे ये अंदर वाला, ठीक है। आधा इंच यहाँ पे ये अंदर वाला हो गया और इधर से आधा इंच हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ये ब्रेकेट है तो अब इसको हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में रखेंगे इधर से। ये देखिए, आधा इंच जो है वो स्पेस छोड़ देना है आपको, ठीक है। क्योंकि कमोड जब बैठाएंगे तो इसके ऊपर ना टकरा जाए, इसलिए आधा इंच रखना है यहाँ पे इस तरह से। और ये जो मार्किंग मैं किया था दोस्तों, ये देखिए ये वाला, ये सेंटर मार्किंग है, तो ये जो होल है दोस्तों ये ब्रेकेट का, इसके सेंटर में होना चाहिए। ये देखिए, ये जो दिया हूँ मार्किंग दोस्तों, थिकनेस वाला, ठीक है, इसके बाहर और इसके एकदम सेंटर में ये जो होल दिख रहा है, ये इसके सेंटर में होना चाहिए। देखिए इस तरह से रखेंगे, अभी ये बिल्कुल सेंटर में है। और अब मार्किंग करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रेकेट में लंबा होल दिया हुआ है, ताकि जो है इंस्टॉल करते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखिए, अब देखिए मार्किंग दोस्तों हो गया, ये वाला है, मुझे यहाँ पे होल करना है। होल करने के लिए दोस्तों 6 mm का ड्रिल बिट लेंगे, उसके सहारे इसको होल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाल प्लग दिया हुआ है, होल करने के बाद ये वाल प्लग यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी चलिए यहाँ पे मैं होल करता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 6 mm का ड्रिल बिट है मेरे पास, तो इससे मैं होल करूँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों होल मैं कर लिया हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे ये वाल प्लग को इस तरह से लगाएंगे। ध्यान रहे, होल को ज़्यादा लूज नहीं रखना है, इसको टाइट ही रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं वाल प्लग लगा लिया। अब दोस्तों, ये ब्रेकेट को इस तरह से यहाँ पे लगा के टाइट करेंगे। ये देखिए, ये इस नट से यहाँ पे टाइट होगा। अब देखिए दोस्तों, ये इस तरह से लगेगा। उसके बाद इसको टाइट करना है, इसको ड्राइवर से पूरा फुल टाइट करेंगे। इसको प्रॉपर टाइट करेंगे और यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि जब कमोड लगाएंगे तो थिकनेस यहाँ पे बैठने के लिए जगह होना चाहिए। ठीक है, कमोड यहाँ पे टकराना नहीं चाहिए, उतना स्पेस देना है आपको। ये देखिए, अभी ये वाला जो है दोस्तों, ये प्रॉपर टाइट हो गया है। दूसरे वाले को टाइट करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों ब्रेकेट यहाँ पे इस तरह से मैं लगा दिया। अब जो है, कमोड को इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और कमोड को रखते टाइम ये जो मार्किंग है दोस्तों, पेंसिल से मैं मार्किंग किया था, इसका लेवल देखते हुए रखना है। और टाइट करने से पहले यहाँ पे इसको फिर एक बार पानी डाल के चेक करना है। अगर लीकेज नहीं हुआ तो फिर कमोड को टाइट करेंगे, और अगर लीकेज आ जाता है तो फिर इसको दोबारा एडजस्ट करेंगे दाएं बाएं आगे पीछे। तो अब देखिए दोस्तों, कमोड को मैं दोबारा यहाँ पे रख दिया। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फिर पानी डाल के लीकेज चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे पूरा पानी डाल दिया और साइड में लीकेज को चेक करेंगे। अभी भी दोस्तों देखिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है, आपको चेक कर लेना है। लीकेज अगर नहीं है तो फिर इसको टाइट कर देंगे, और अगर लीकेज आ जाता है तो फिर दोबारा इसको लेफ्ट राइट आगे पीछे एडजस्ट करेंगे। तो अभी मेरे कंडीशन में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है। ठीक है, अब ये कमोड को मैं इसको टाइट कर दूंगा। तो अब चलिए दोस्तों, इसको मैं टाइट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है। और आपने देखा है, मैं नीचे किसी भी प्रकार का सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हूँ। वो इसीलिए नहीं लगाना है क्योंकि दोस्तों, अगर इसको खोलना हो, खोल के कहीं और जगह सेट करना हो, तो बिल्कुल आसानी से इसको रिमूव करके कहीं भी दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी चलिए, इसको मैं टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिक्स करने के लिए यहाँ पे ये स्क्रू है, और ये होल गार्ड वाशर है। ठीक है, गार्ड वाशर का मतलब वो उसको कवर कर लेगा ये, इसलिए यहाँ पे इस तरह से इसको लगाना है। ठीक है, और जो ब्रेकेट था दोस्तों, मैं दिखाया था उसमें बहुत सारा होल दिया हुआ था, होल काफ़ी ज़्यादा था उसमें, वो इसलिए दिया गया था ताकि जो है किसी भी होल में जाके ये पकड़ ले उसमें। और इसका अगर नोक देखेंगे तो काफ़ी नुकीला है, बहुत ही नुकीला है, सुई के जैसा एकदम। तो अभी इसको यहाँ पे टाइट करेंगे। ये देखिए, जाके ये पकड़ लिए तुरंत। अब इसको टाइट करेंगे। दूसरा वाला जो है उसको भी इस तरह से टाइट करेंगे। तो अब दोस्तों, कमोड का जो स्क्रू है उसको मैं लगा दिया दोनों साइड वाला। अब ये कमोड पूरी तरह से फिक्स हो गया है। उसके बाद अब बारी है दोस्तों ये फ्लस को फिक्स करना। ठीक है, तो अब चलिए, सबसे पहले मैं ये सब कुछ फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, ये फ्लस वाला पार्ट। अब देखिए दोस्तों, ये सिस्टम का ये कवर है, और यहाँ पे देखिए ये इसका स्विच दिया हुआ है प्लस करने वाला। ये देखिए, ये छोटा वाला जो है ये हाफ प्लस होता है, और ये जो बड़ा वाला है ये फुल प्लस होता है। तो अब इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे देखिए ये नट दिया है, इसको खोल लेंगे इस तरह से। खोलने के बाद ये जो कवर है इसमें टाइट होगा ये, और लेबल एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये देखिए। ठीक है, यहाँ से लेबल इसका कम ज़्यादा होगा। देखिए, ये अगर ये घुमाएंगे तो इस तरह से टाइट हो जाएगा ये, और बाहर लेंगे घुमाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा।
हाफ और फुल बनाना है तो इसको आधा छोटा करना पड़ता है और एक बड़ा रखना पड़ता है। इसको सीधा रखेंगे। अभी मेरे कंडीशन में देखिए ये बिल्कुल सीधा है और इस नट को पूरा प्रॉपर टाइट करेंगे। ये देखिए अब ये टाइट हो गया है। अब इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे। अभी मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा हूँ, इसमें जब कनेक्शन दूंगा सप्लाई का तभी ये चेक हो पाएगा क्लियर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब मैं ये जो कवर है दोस्तों, कवर में इसका स्विच भी लगा दिया हूँ और ये कमोड तो पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए मैं यहाँ पे इसका कवर और जेट लगाना यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैं लगा दिया। अब यहाँ पे कवर लगाएंगे और इसमें जो जेट लगता है उसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये सोमानी वाले कमोड का ये कवर है। कवर देखिए कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये देखिए नीचे वाला पैड है बैठने वाला और ये ऊपर वाला कवर है। इसके बाद फिक्स करने के लिए ये देखिए कोई विशेष नहीं है, ये नॉर्मल वाला ही लॉक है इसका, जो कि ये काफ़ी मजबूत नहीं होता है लेकिन ये कवर है तो ये काफ़ी है मजबूती के लिए इतना। तो अभी इसको लगाना मैं सिखाऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जेट है, ठीक है। जेट और ये कवर एक साथ ही लगता है क्योंकि नीचे फिक्स करना होता है। देखिए ये सोमानी का जेट है और इसका प्राइस दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 555 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये जो प्राइस है दोस्तों इस पर डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट आपके सिटी एरिया पे डिपेंड करेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होता है वो अलग अलग होता है। तभी यहाँ पे 555 रुपये है लेकिन डिस्काउंट पर मिला है। ये निकाल दिया इसको। ये देखिए ये जो है एल वाला मैं लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे यू शेप वाला नहीं लगेगा, यानी कि 45 डिग्री पे जो बैंड होता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप 90 डिग्री पे जो मुड़ा हुआ है उसको लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये 90 पे है, ठीक है, एल टाइप का। तो अभी यहाँ पे यही लगेगा। ये देखिए एक पत्ती होता है और एक वाशर होता है, वाशर जो है लीकेज को रोकता है। ये देखिए ये जेट जो है दोस्तों कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये जो पत्ती है पत्ती को यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये जो जेट है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगेगा। ये देखिए अब देखिए ये एल वाला है तो यहाँ पे काफ़ी आसानी से इधर निकल गया। और यही चीज़ दोस्तों अगर वो यू बैंड में होता तो नहीं लग पाता। अब दोस्तों ये जेट और कवर एक साथ लगेगा तो ये कवर को फिक्स करने के लिए नट बोल्ट है। ये देखिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए, कंप्लीट देखेंगे तो बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नट को खोलेंगे, ये नीचे से टाइट होगा। वाशर को निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो दो ब्रैकेट मिलता है हर कंपनी में मिलता है, अगर इस टाइप का मिलेगा यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको भी यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे बारीक बारीक खांचा होता है दोस्तों, ठीक है, गियर टाइप का बना होता है, गियर बना होता है आगे पीछे। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से आगे पीछे हो रहा है और इसको जब कवर में लगाएंगे तो ये लेफ्ट राइट और आगे पीछे चारों तरफ होगा। तो अब इसको कवर में फिक्स करेंगे। ये देखिए ये कवर है और अब क्या करेंगे इसको इस डायरेक्शन में, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर स्लाइड कर देना है। देखिए स्लाइड हो गया इधर और इसको इधर स्लाइड कर देना। ये देखिए हो गया। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये इधर हो गया, लेफ्ट राइट हो रहा है। ये देखिए लेफ्ट राइट हो रहा है और अगर आगे पीछे करना है तो ये वाला इस तरह से होगा। देखिए हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको ये जो दोनों होल दिख रहा है इसके बराबर मेजर करके उसके बाद जेट के साथ इसको यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद नीचे से टाइट करेंगे। ये देखिए अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर इस तरह से जेट रखेंगे। ये देखिए इसको मैं इस तरह से अगर रख रहा हूँ तो ये कवर जो है दोस्तों यहाँ पे बैठ नहीं रहा है वो जेट की वजह से, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, ये जो कवर है दोस्तों इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। ये देखिए ये देखिए इसको मैं कट कर दिया।
तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जेट इस तरह से लग गया, ठीक है। अब ये जो नट है नीचे से टाइट करेंगे, तो अब देखिए दोस्तों, कवर का जो नट बोल्ट है उसको मैं प्रॉपर टाइट कर दिया हूँ। ये देखिए पूरा ये फिक्स हो गया। देखिए यहाँ पे जेट भी लग गया है, और ये देखिए ये कवर भी यहाँ पे इस तरह से पूरी तरह से ये लग गया है। अब दोस्तों ये जेट का जो कनेक्शन पाइप है इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और अभी यहाँ पे एंगल वाल लगाना बाकी है। नीचे वाला जेट का है, ऊपर वाला फ्लस का है, तो अभी ये सब मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं सप्लाई ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये एंगल काग वगैरह सब कुछ लग गया है। उसके बाद अब ये जो जेट का कनेक्शन पाइप है इसको मैं ये जेट वाले में लगाऊंगा, ठीक है। ऊपर वाला फ्लस का है और ये नीचे वाला जेट का है। यहाँ से जब कोई ऑन करेगा तो जेट में पानी फेंकेगा। यहाँ पे मैं एंगल काग लगाया हूँ, एंगल काग लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप यहीं से डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते थे यहाँ पे हेक्स निप्पल लगा के। तो अभी एंगल काग लग गया है, ये हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, और यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे इस तरह से। अब देखिए वाशर होता है, वाशर आपको लगाना ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर लीकेज आएगा। ये देखिए इस तरह से वाशर लिया मैं, और यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लग गया जेट, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। जेट का पॉइंट दोस्तों पीछे मैं इसलिए दिया हूँ ताकि जो है, अगर साइड में यहाँ पे एंगल कॉक देते हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर आप ये जेट लगाएंगे साइड में, मैं देखा हूँ यहाँ पे लगाते हैं तो पाइप जो है दोस्तों पैर से टकराता है, ठीक है। इसलिए कंसील से ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम बनाया हूँ मैं, इसको मैं पीछे कर दिया। अब ये पाइप देखिए पीछे है, कहीं भी बैठते टाइम पैर से टकराएगा नहीं, ठीक है। अब ये जो फ्लस वाला पॉइंट है दोस्तों नीचे इसका दिया हुआ है, ये जो कमोड है इसका पॉइंट नीचे है, नीचे से कनेक्शन पाइप से यहाँ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 फिट का कनेक्शन पाइप लगेगा लंबा, ठीक है। तो अभी 3 फिट के कनेक्शन पाइप से इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद इसका प्रेशर मैं दिखाता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कमोड में मैं फ्लस वाला पाइप भी कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ये जेट स्प्रे का पाइप भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हेल्थ फ्यूजर भी लगा दिया, यानी कि हैंड जेट, ठीक है। सब कुछ मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब चलिए मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, और इसका लेबल मैं सेट करना आपको सिखाता हूँ। अब यहाँ पे फ्लस में पानी भरने के लिए एंगल कॉक को ऑन करेंगे। ये देखिए ऑन किया, और यहाँ पे पानी अभी भर रहा है, ठीक है। ये देखिए इसमें पानी भर रहा है अभी धीरे धीरे, यहाँ पे अंधेरा है लेकिन यहाँ पे दिख रहा है पानी, यहाँ पे भर रहा है, ठीक है। पानी को भरने देंगे, पूरा इसमें 10 लीटर तक पानी आता है, तो अभी भरने देता हूँ मैं इसको। और इसका लेबल दोस्तों आप यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे, ये जो सिस्टम है दोस्तों, जैसे ही पानी भरता हुआ धीरे धीरे ऊपर आएगा, भरता हुआ ऊपर आएगा तो ये इस तरह से ऊपर उठेगा, ठीक है। ये देखिए जब ये ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिक इसमें पानी गिरना बंद हो जाएगा, और जैसे ही कोई फ्लस करेगा पानी यहाँ का खाली होगा तो ये नीचे जाएगा, उसके बाद फिर पानी ऑन हो जाएगा। देखिए मैं छोड़ दिया तो यहाँ पे पानी भर रहा है अभी, भरने के बाद ये ऊपर आएगा और बंद हो जाएगा, और जब कोई इस तरह से फ्लस करेगा तो पानी खाली होगा। देखिए मैं हल्का सा फ्लस किया, पानी खाली हो गया और ये फिर नीचे गया और भर रहा है। तो अभी इसको भरने देता हूँ मैं, और अगर ये कभी ओवरफ्लो होता है तो इसका वाटर लेवल सेट करने वाला ये जो दिया होता है, ठीक है, अभी अंधेरा है, इसको नीचे स्लाइड करेंगे तो जो है दोस्तों वाटर लेवल कम ज़्यादा होगा, ऊपर नीचे करेंगे तब, ठीक है। तो अभी भरने देता हूँ, उसके बाद दोस्तों अब चलिए मैं जेट को ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है कंसील लगा हुआ है जेट को ऑन ऑफ करने के लिए, और वहाँ पे देखिए एंगल कॉक लगा हुआ है जेट के ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको ऑन रखेंगे, यहाँ पे एंगल कॉक की ज़रूरत नहीं थी, हेक्स निप्पल लगा देते तो भी काम चलता, ठीक है। तो वो हमेशा ऑन रहेगा 24/7, और हमको क्या करना है बस यहाँ से ऑपरेट करना है, ठीक है। देखिए इसको मैं इस तरह से ऑन किया, अब देखिए यहाँ पे पानी फेंकने लगा, ठीक है, और पानी का प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से इस तरह से कम करेंगे। ये देखिए देखिए अभी ये कम हो गया, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही आसानी से कोई भी बैठ के उसके बाद एक हाथ से इसको कम ज़्यादा करके फ्रेश हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेश होने के लिए दोस्तों खुद को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट राइट, ठीक है। ये जेट तो सीधा पानी फेंकेगा, बस अपने आप को लेफ्ट राइट आगे पीछे होके फ्रेश होना पड़ेगा। और अब चलिए दोस्तों मैं आपको बैठने का तरीका बताता हूँ। ये जो पैड दिख रहा है, अगर किसी को फ्रेश होना है तो वो यहाँ पे बैठेंगे, ये बैठने वाला पैड है, उसके बाद यूज में नहीं है तो फिर ये बंद कर देंगे, ठीक है। साफ़ सफाई करने के लिए इसको उठाएंगे इस तरह से, ठीक है, उसके बाद इसका साफ़ सफाई कर लेंगे। देखिए ये काफ़ी अच्छा जेट काम कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी प्रेशर से पानी दे रहा है, इसको बंद कर दिया मैं।
अब साफ सफाई करना होगा, यहाँ से करेंगे, बैठना होगा तो इसके ऊपर बैठेंगे, यूज में नहीं होगा तो फिर इसको बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे फ्लस का जो वाटर लेवल था दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे सेट किया था, अभी ये पानी यहाँ पे फुल हो गया है। ठीक है, देखिए पानी फुल हो गया है, अगर आप और भरना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा लेवल प्लस कर लेंगे तो ये भर जाएगा, ऊपर आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर दिखाता हूँ मैं कितना प्रेशर है फ्लस का, यहाँ पे फ्लस करेंगे, एक हाफ होता है एक फुल होता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ में दबाता हूँ, ये देखिए फ्लस किया मैं और यहाँ पे पानी आया, तो प्रेशर इसमें थोड़ा सा कम है इसीलिए इसका लेवल मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा। तो दोस्तों अभी देखा आपने इसका प्रेशर, मैं दिखाया टेस्ट करके फ्लस वाला, जो कि मुझे काफ़ी कम प्रेशर लगा इसमें। आपको प्रेशर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ये सोमानी का कमोड है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे कमोड का पूरा फिटिंग मैं कर दिया हूँ। एक बार मैं ये आपको हैंड स्प्रे दिखाता हूँ, हेल्थ फ्यूसेट का प्रेशर, ये देखिए, ये इसका प्रेशर तो ठीक है, ये देखिए इसका मॉडल है ये वाला, तो इसका प्रेशर अभी सही है। ये देखिए यहाँ पे इसको हैंग कर दिया जाता है इस तरह से। जिसको हैंड स्प्रे यूज करना है वो ये हैंड जेट यूज करेंगे, और जिसको जेट यूज करना है वो जेट यूज करेंगे। तो दोस्तों ये कमोड इंस्टॉलेशन का वीडियो पूरा हुआ, और ये जो सोमानी वाला कंबाइंड कमोड है दोस्तों, काफ़ी घटिया कमोड है, प्रेशर भी इसका किसी काम के लायक नहीं है। प्रेशर मैं अभी आपको दिखाया था, अगर टाइट लेटरिंग है तो उसको ये साफ नहीं कर पाएगा। वाटर लेवल भी मैं पूरा सेट किया, इसकी बनावट जो है दोस्तों काफ़ी ख़राब है ये फ्लस वाला। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सोमानी का जो कमोड है दोस्तों, कभी भी ना परचेज करें ये वाला मॉडल, सोमानी कैमियो वाला। ठीक है, बाकी अगर कोई अच्छा मॉडल मिलता है तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये सोमानी का जो कैमियो मॉडल कमोड है दोस्तों, ये काफ़ी घटिया है। ठीक है, तो आप इसको परचेज नहीं करेंगे, हिंदवेयर का परचेज कर लीजिए, जगुआर का परचेज कर लीजिए, काफ़ी बढ़िया होता है। इसका जो प्राइस है दोस्तों कमोड का, 7,500 रुपये लगा था। ठीक है, उस पर कुछ डिस्काउंट मिला था तो, लेकिन कुल मिला के दोस्तों ये कमोड जो है काफ़ी ख़राब लगा मुझे। और आपको ये कमोड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।